वो एसपी के दफ्तर में जाए तो मैं चाहूंगा ना कि उसको इज्जत से बिठाया जाए, एसपी उसकी बात सुने। मैं चाहूंगा ना, एसएचओ चाहेगा ना कि उसका भाई जो है वो जब किसी थाने में जाए तो उससे इज्जत से बात की जाए। तो मैंने इनको यही बताया है कि जुर्म हो जाए कोई मसला नहीं है, मैं मंजूर है, जुर्म होते रहते हैं। लेकिन अगर मुझे ये कंप्लेंट आई कि जी थाने में किसी को गाली गलौज की गई है, किसी से बदतमीजी करी गई है, उस पर कोई माफी नहीं है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ये थाना, ये सरकार के कोई पैसे नहीं है, ये पैसे आवाम के टैक्स के पैसे होते हैं, जिससे मुझे तनख्वाह मिलती है, जिससे ये थाना चल रहा है। तो इसलिए जहां जहां भी आपको इनकी कंप्लेंट तो जायज, बिल्कुल हमें बताइएगा, हम उसकी इस्लाह करेंगे। इनके जितने भी अच्छे काम है इनका सारा क्रेडिट इनको जाता है, और इनके जितने भी बुरे काम है अगर कोई है उसकी जिम्मेदारी वो मेरी है। मैं अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार समझता हूं और उसके लिए जवाबदेह अपने आप को समझता हूं। आप मुझे नेकनीयती से बताइएगा अगर किसी के साथ किसी ने ज्यादती की है पुलिस के साइड पे, तो उसके लिए मैं जवाबदेह हूं, इधर भी हूं, इस दुनिया में भी हूं और आखिरत में भी हूं। मेरी आपसे गुजारिश है आप लोगों से कि इनको सपोर्ट कीजिएगा। आप जितना इनको सपोर्ट करेंगे ये इतना अच्छा काम करेंगे। इनको इनकरेज कीजिएगा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ऑनेस्टली हमें कोई चीज, हुकूमत ने हमें हर चीज दी हुई है, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें सिर्फ पब्लिक अप्रिसिएशन चाहिए, पब्लिक सपोर्ट चाहिए। तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, और आपकी सपोर्ट जितनी अच्छी होगी, जितनी पॉजिटिव होगी, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को सहूलतें और आसानियां दे, और आपको ये तौफीक दे कि आप लोगों में भी आसानियां और सहूलतें तकसीम कर सकें। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए, अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला और मेरी बातें सुनी। थैंक यू वेरी मच।